आयोजन करा जाएची। मंचरे उपस्थित थिबा एम्स रो डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष विश्वास महाशय, आईआईटी भुवनेश्वर रो डायरेक्टर प्रोफेसर श्रीपद कर्मलाकर महाशय, बीएसएफ रो आईजी आज जहां गोटे भल संख्यार निजुक्ति पत्र जो संस्था तरफ दिजिव आदरणीय डीके शर्मा महाशय, आउ गोटे बड़ संगठन जहाँ आज भल संख्यार निजुक्ति पत्र दिजिव 65 संख्यार मैंने सबुठ सर्वाधिक निजुक्ति पत्र आज मेलार जहाँ जो संगठन तरफ दिजिव आमर एडीआरएम ईस्ट कोस्ट रेलवे खोर्धा डिविजन मान्यवर कल्याण पटनायक महाशय, श्री पीएस पंडा डायरेक्टर ईएसआई कॉर्पोरेशन, श्री भवानी शंकर शाह डेप्युटी जीएम एचआर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट, श्री फगु ओराम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भुवनेश्वर, श्री शुभेंदु कुमार स्वाई सीपीएमजी ओडिशा सर्कल, श्री गौतम पात्र कन्वेनर एसएलबीसी ओडिशा। आज ये कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा जो 384 बंधु मानक आज जो मानक जीवन रे आज गोटे नुआ पृष्ठा जोड़ा हबो से भलिया भाई भोनी माने जोठे जो माने इटे उपस्थित अछंती विभिन्न संगठन रो वरिष्ठ अधिकारी बंधुगण सांबादिक बंधुगण तथा टेक्नोलॉजी माध्यम रे याकू या माध्यम रे जोड़ी हेतिबा अनेक जगार सम्माननीय अतिथिगण बंधु माने आज मो पाई एक शुभ दिन ठीक 123 वर्ष पूर्वे ओडिशार जड़े सुजोग संतान जन्म होता जहां कि ओडिशा आज भी मन रखी शहीद लक्ष्मण नायक ना मलकानगिरी जिलार उपात अंचल जन्म होता मैंने तत्कालीन अविभक्त कोरापुट जिलार मलकानगिरी अंचल जने सुजोग्य संतान भारत माता सुजोग्य संतान जीए खूब कम बयस बापा प्रेरणा पाइक इंग्रेज शासन विरुद्ध लड़े करी जो लड़े से अंचल माथिली आंदोलन रे अनेक लोकंर बलिदान हवापर जो बड़ विद्रोह होता संग्राम होता जहाँ कि परे इंग्रेज माने गिरफ करिकी जहाँ कि परे फांसी पर्यंत दे लक्ष्मण नायकंकर ओडिशार आदिवासी पुओ ओडिशार गौरव भारतर सम्मान लक्ष्मण नायकंकर आज 123 जन्मदिन गत काली उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महतामकर जन्म थिला आज लक्ष्मण नायकंकर जन्मदिन ये भलिया पवित्र मुहूर्त अवसर रे गत थर प्रधानमंत्री जितेबले आम समस्त को संबोधन करुथले संबोधित करुथले गोटे कथा उल्लेख करथले जे आम समस्त को नुआ कर्तव्य पथरे जीवा बेले निजर दायित्व निजर कर्तव्य प्रति बहुत जत्नवान हबार आवश्यकता अछि। आज आप समस्ते गोटे नुआ चैप्टर आपण जीवन में आरंभ करेंगे दायित्व आ कर्तव्य आपण मानकर सर्वोपरि पथेय हम मन पकातु जदि लक्ष्मण नायक बलिदान दे न थांते आज आम ये 384 स्वाधीन भारत में निजुक्ति पत्र भी पाई न थांते। डॉक्टर हरेकृष्ण महताब जदि आम जाति को दिग्दर्शन दे न थांते ताहले
ଆମେ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନେଲେ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ହେଲେ, ଔପଚାରିକ ଅଂଶ ହେଲେ, କିଏ ଆସାମ ରାଇଫଲରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବ, କିଏ ଏମ୍ସରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବ, କିଏ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବ, କିଏ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବ, କିଏ ରେଲୱେ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିବ, କିଏ ଇଏସ୍ଆଇସିରେ ଚାକିରି କରିବ, କିଏ ହାଇଲ୍ରେ ଚାକିରି କରିବ, କିଏ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଇବ ଦାୟିତ୍ୱ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଆଇଟି ବିପିରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଡାକ ବିଭାଗରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳରେ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ କାମ କରିବାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୂହଗୁଡ଼ିକରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ କାମ କରିବାର। ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଆଜି ଯୋଗଦେଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2 କୋଟି ନୂଆ ପିଲା, ନୂଆ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼େ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ସେମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ୟାକୁ ଚାକିରି ମାନୁନି, ନିଯୁକ୍ତି ମାନୁନି, ୟାକୁ ରୋଜଗାର ମାନୁନି। 130 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯାଉଛି। କାମ କେଉଁଟା ଛୋଟ ନଥାଏ, କେଉଁଟା ବଡ଼ ନଥାଏ। ଛୋଟ ବଡ଼ କାମକୁ ବିଚାର ନ କରିକି ୟାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ୟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ୟାର ବିଷୟରେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ବରାବର ରଖୁଥିବା ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠି ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ପାଣ୍ଠି ଆମ ମାନଧନ ପାଇଁ, ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରମା ଆକାରରେ ମିଳିବ। ଲୋକଙ୍କର ପଇସା, କାମ ଲୋକଙ୍କର, ଆମେ ମାଧ୍ୟମ, ଆମ ପରିବାର ସେଥିରେ ଚାଲିବ, ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଆମ ଘରେ ଥିବା ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ା ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିପାରିବା, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବା, ନିଜ ପତି ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବା, ନିଜର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା, ଘର ବନେଇବା, ଗାଡ଼ି କରିବା, ଭୌତିକ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଆମେ ଅବସର ପାଇବା ଏ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାନା, ଆମର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଭାରତକୁ ବଡ଼ କରିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବଡ଼ କରିବା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ପରିବାର, ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ବହୁତ ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 75 ବର୍ଷ ଏବେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା କଲେ ନିଯୁକ୍ତି, ତ ସବୁବେଳେ ଅବସର ଆସୁଛି, ନିଯୁକ୍ତି, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି, ରୋଜଗାର, ସ୍ୱରୋଜଗାର, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମଯୋଗୀ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଅବସର, ଯେଉଁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ, ସେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ର ବି ଆଜି ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ, କର୍ମଯୋଗୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ମଡ୍ୟୁଲ, ତାକୁ ବି ଆଜି ଆମେ ଅବସର ପାଇବା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି 45 ଗତଥର 75 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ
आम समस्ते प्रधानमंत्री प्रतिनिधि भाव 75,000 भाई भोनी मानकु निजुक्ति पत्र प्रदान करा जाय थला। आज 71,000 भाई भोनी मानकु 45 स्थान दिया जीव। गतकाली जेतेबेले सीआईएसएफ रो बंधु माने मते एयरपोर्ट रे भेटिले आ कहिले जे आमे काली ए प्रकार आयोजन करचु आपण तो सिटी रहिबे गला बेले बड़ नम्रता और संकोच प्रश्न कहले जे आपण कोन समस्त को नियुक्ति पत्र देबे मु त कहली हम समस्त को नियुक्ति पत्र मोदी जी को प्रतिनिधि भावे दबा पाई चाहिए कारण मु ए पुण्य रु निज को वंचित करबा पाई उचित मन करू नहीं जोड़े बहुत बड़ काम आज बहुत बड़ काम आम समस्त जीवन रे हम 75 वर्ष रे आमे अनेक स्वप्न समस्ते देखी देश पाई अनेक राति आमे अनिद्रा होती स्वप्न को भाभी भाविक स्वप्न निद आसीगला तंद्रा हेला बेले स्वप्न आसला बेले सकाळ हो जाए जीवन जंजाल एते आम उपरे माड़ी बसी थाए ता भितर आज जो माने ये पुरुषार्थ जो माने ये सिद्धि को हासिल कर तो सम्मान करिबा तांकु आदर करिबा तांकु सौभाग्य शोभा मंडित करिबा महाप्रभु जगन्नाथ कर योजना तेणु ये शुभ अवसर को मु बिल्कुल निजक सामिल करिबा पई चाहिमि। आज मु आपनको भितरे अछि बंधुगण आउ 2-4 मिनिट परे ये कार्यक्रम औपचारिकता दिल्ली सांगे जोड़ी हबो प्रधानमंत्री जो योजना अच्छी 10:30 बेले 10:30 बेले दिल्ली सांगे आम टेक्नोलॉजी माध्यम जोड़ी हबा प्रधानमंत्री आम मन को अभिभाषण देवे परे निजुक्ति पत्र समस्त को से निजे भी बांटिबे तापरे आम समस्ते निजुक्ति पत्र आम भितर बंटा जीव ता पूर्व गोटे दुटी कथा मुझे कह गत काली मु गोटे कार्यक्रम दिल्ली में जोग दे जो प्रोफाइल देखुची एठी ये प्रोफाइल रे अनेक बंधु चाकरी एई पई करथिबे अनेक बंधु आईआईटी एम्स रे भी चाकरी पाइछन्दे तमाने समान निश्चित भावे डॉक्टर विश्वास एम्स रे जो मैंने चाकरी पाइले आर दे ऑल डॉक्टर्स पारामेडिकल एंड सम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अल्सो। आज जो अन्य बंधु माने बैंकर्स रे जो माने चाकरी पाइले बैंकिंग सेक्टर रे 55 जन बंधु माने ये समस्ते को कैटेगरी रे नियुक्ति पाइले काम रे की क्लर्क गार्ड ऑफिसर न थांती काम गोटे मजरे नुआ व्यवस्था देश रे नुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होई छि मुझे दुई तीन टा बड़ बड़ वर्टिकल विषय टिके पचारे बुझली ये बहुत बंधु माने जो मानक आम तथा कथित क्लर्क कहते जो मानक आम सपोर्ट स्टाफ कहते से जॉइन करेंगे जे माँ देह खराब थी जल्दी चाकरी करले बापा हाथ को सहयोगी हवा भौणीर बाहागर बेले बापा जो करज करेंगे ताकु सुझीवापाई घरे बोझ अच्छे भल पाठ पढ़ुवा पर भी परिवार रो दायित्व पाई आमे पाठ पढ़ा डोरी लगे कि ये परीक्षा देकी पास करते एमती नुहे जे आम पाठ पढ़ी नथिले आईआईटी रे प्रोफेसर हो न थांते आम पाठ न पढ़ी आम डॉक्टर हो न थांते आम पाठ न पढ़ी आम बड़ अधिकारी हो न थांते एमती नुहे भारत बर्षर सामान्य घर पिला मध्यवर्गीय पिला यही पाठ पढ़ा को छाड़े चाकरी रे जोग दिए सामाजिक अर्थनैतिक बाध्यबाधकतारु शिक्षा व्यवस्था भी यही गोटे रचना आमको बांधिक रखी जे तुम्हें आकु पढ़ी भी पार नहीं अटेंडेंस दरकार मार्क दरकार बही पाठ पारंगम हेले जाए कि तुम्हें आगू बढ़ी पार
नरेंद्र मोदी देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके ये दुईटाक जिनस परीक्षा और बहीपाठ दुईटा आक ताल लगेदे देश में नुआ शिक्षा नीति रे दुईटी कथा को महत्व जोड़ा भी गला बहीपाठ मुझे कह बहीपाठ को न पढ़ी सब डिग्री पाई बहीपाठ रहिबो परीक्षा हम किंतु बहीपाठ परीक्षा विशेष करके जो माने काम करिवे काम करिवारो अनुभव को भी क्रेडिट फ्रेमवर्क रे क्रेडिट नेटवर्क को अणाजीव तांकु सेतेरे स्कोर मिलिबो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रो रचना हबो बैंक अकाउंट हला भलिया ज्ञान रो भी गोटी अकाउंट हबो डिग्री आउ क्रेडिट जदि आज जणे आमर फील्ड रे सीआईएसएफ किंबा सीआरपीएफ किंबा बीएसएफ रो जवान सीमार किंबा कौन से गोटे क्रिटिकल स्थान रे 12 पास करके सिपाही दायित्व रे काम करुची किंतु तार अनुभव से अंचल रे काम कला बेले जो अनुभव हैला मिनिमम कॉम्पिटेंसी लेवल को परीक्षा देकी पास करके पूर्णांग परीक्षा नुहे क्लासरूम नुहे जो फील्ड रे अनुभव होउछ माने सीमारे बीएसएफ रो सैनिक जगुची ताटु बड़ क्लाइमेट आनालीसीस करला बेला कई ना थंडा वर्षा खरा तूफान यार प्रैक्टिकल अनुभव जो होउछ ताकु क्रेडिट फ्रेमवर्क को अणाजीव बैंक रे काम करथुवा लोकटी कंज्यूमर सर्विस रो अनुभव रे एमबीए पढ़ार किसी क्रेडिट आर्म करिपारिबो ये क्रेडिट व्यवस्था रो श्री गणेश भारतीय भारत सरकार तरफ रु नुआ व्यवस्था रे आरंभ होइछ ये अनुभव को भी क्रेडिट नहीं कि ताकु उच्च शिक्षा रे जोड़ीबार व्यवस्था करा जाउछि ये एक नंबर काम होइछ दुई नंबर काम होइछ जदि आमे आमर सबू लेन देन आज डिजिटल प्लाटफर्म करि पारछुंदि कई आउ बैंक जाऊ ना एटीएम को जाऊंट कई आउ पेमेंट करूना काउंटर रे लाइन लगे कि फोन माध्यम रे पेमेंट कर दौंट किणा बिका आउ नगद रे हो किणा बिका टेलीफोन रे हो जाने डिजिटल ट्रांजैक्शन जदि संभव ताहले डिजिटल डिजिटल क्लासरूम कहीं संभव नुहे डिजिटल रजिस्ट्रेशन कहीं संभव नुहे डिजिटल परीक्षा कहीं संभव नुहे डिजिटल सर्टिफिकेट दबा कहीं संभव नुहे डिग्री पाइबा कहीं संभव नुहे से पाई भारत सरकार आसंत शिक्षा वर्षर इंडियन डिजिटल यूनिवर्सिटी रा कल्पना लेकिन आसती दुईटी कथा शिक्षा विभाग तरफ मत सुजोग मिला कहवापी क्रेडिट आउ डिजिटल यूनिवर्सिटी ये दुईटी आपण मानू आगामी दिन में पीएचडी पर्यंत नबो डॉक्टरेट भी आपण करि परबे आज जो कथा को एटी पात्र बाबू कहले किछि लोक क्लर्क रे हेले के क्लर्क नहंती के सपोर्ट स्टाफ नहंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको जीवन आरंभ करथिले अहमदाबाद रो बस स्टेशन रे चा बिक्री करके आज सुजोग पाइले अनुभव जोगु विश्वर सबुठु लोकप्रिय नेता हेछन्ते ये अनुभव भारत वर्ष चले अनुभव आउ अनुभूति रे भारत शिक्षा व्यवस्था ने अनेक वर्ष पर्यंत हजार हजार वर्ष पर्यंत ज्ञान आगे बढ़ला दुईटी माध्यम रे गोटे श्रुति आउ गोटे स्मृति शुणीमा आउ मन रखिबा ना सेतेबेले आरंभ रे मात्रा नथिला अक्षर नथिला बही नथिला परे तालपत्र आसिला पोथी आसिला किंतु ता पूर्वर ज्ञान थिला ये परंपरा को आज दिन रे आउ थरे टेक्नोलॉजी माध्यम रे पुनर्जीवित करिवार पुनः स्थापित करिवार आज विभिन्न प्रयोग सफलता सह आरंभ होइछि आउ गोटे कथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे महत्व दिया जाइछि जे सबु पाठ को मातृभाषा रे होइ परिवार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहिछि जे पाठ को बुझिबा पई गत सप्ताह रे एठी भुवनेश्वर रे भारतर नुआ राष्ट्रपति ओडिशार झियो आदरणीय
द्रौपदी मुर्मू महाशया इंजीनियरिंग रो डिग्री इंजीनियरिंग रो प्रथम वर्षर 20 टी विषय रो ओडिया बही को लोकार्पित करले।